100 से ज्यादा ग्राम पंचायत सचिवों ने मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति यार के द्वारा लगातार गाली गलौज का इस्तेमाल और उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी के नेतृत्व में विकास भवन पर मुख्य द्वार पर सभी लोगों ने बैठकर विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। तो सचिवों का सीडीओ के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन इटावा में देखने को मिला है, जहां पर सीडीओ के द्वारा किए जा रहे अभद्र व्यवहार को लेकर के ये विरोध जताया गया है। मुख्य विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। मैं इटावा के विकास भवन में हूं, जहां पर ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी सारे लोग धरने पर बैठे हैं। आखिर ये किस लिए धरने पर आए हैं, लगातार आप देख सकते हो 100 से ज्यादा ग्राम पंचायत एवं ग्राम विकास अधिकारी हैं। यहां पर जो कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरकिशोर तिवारी, मैं इनसे बात करता हूं कि आज जो आप लोग धरने पर बैठे हैं सर, तो आज का जो धरना इतने सारे ग्राम विकास एवं ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, क्या है पूरा और किसके लिए आज का धरना है? देखिए, यहां पे मुख्य विकास अधिकारी उस समय से आए हुए हैं और वो निरंतर कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न की बातें करते रहते हैं। हम लोगों ने बर्दाश्त किया, इन लोगों ने बर्दाश्त किया कि भाई ठीक, थोड़ी थोड़ी बातें हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब इंतहा हो गई। इन्होंने गालियां देनी शुरू कर दी। मेरे पास ऑडियो है, वो आपको दूंगा मैं। इतनी भद्दी गालियां दी हैं जो कि एक इतने बड़े पद पर रहते हुए असौनी है। इस राजतंत्र में, लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में राजा कोई नहीं हो सकता। ये सब नियमों से बंधे हुए हैं। अगर उनके लिए आचार संहिता तो मेरे लिए आचार संहिता है, ऐसा नहीं हो सकता। उनके लिए आचार संहिता नहीं है, वो किसी कर्मचारी को बुलाते हैं, सस्पेंड करते हैं बिना बात में, उसको अपने चपरासी के साथ बैठा देते हैं, शाम तक बैठाते हैं, 10 दिन तक बैठाते हैं, उसका मोबाइल छीन लेते हैं। किसने के अधिकार दे दिया भाई? मोबाइल मेरे बाप का है, इनके बाप का मोबाइल नहीं है। ये कैसे छीन लेंगे मेरा मोबाइल? नहीं ले सकते मेरा मोबाइल। इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो कि ऐसा लगता नहीं कि सीडीओ जैसे बड़े पद पे हैं। तो इनके विरुद्ध आज बहुत आक्रोश था, इसलिए मैं लखनऊ था, मैं आया यहाँ और मैंने कहा नहीं ठीक है, आप लोग आंदोलन करिए। और अगर की जो घटनाएं हुई हैं, ये क्या शुरू से ऐसी होती रही है जिसको लेकर आज ये इस ये रूप में आप लोग इकट्ठे हुए? मैंने कहा कि 2-3 बार हुई हैं, लेकिन जो ये इकट्ठी होती गई, जिसमें कि आपने देखा कि जो वीडियो इनका ऑडियो ये इसका वायरल हुआ, इनका ये क्लिप वायरल हुई, इसमें निश्चित रूप से दिखाई पड़ा कि बहुत ज्यादा जाति हो रही है। तो हम लोगों को समझ में आया, अभी तक लोग कहते थे, मानते नहीं थे, लेकिन जब इसको हमने खुद आंखों से काना सुन लिया तो हमें लगा कि वास्तव में बहुत सीमित इनके स्तर पे, हर स्तर पे है। जो कोविड का काल चल रहा है, तो किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप लोग कर रहे हैं, तो क्या करने वाले? बिल्कुल, हम लोग कोविड डिस्टेंसिंग के साथ कर रहे हैं सारा कार्यक्रम। और कोविड की बात अगर करेंगे, सबसे ज्यादा काम तो हम ही लोगों ने किया। किसने किया इस देश में काम? हमारे पास सारा का सारा हेल्थ विभाग है, सारे हेल्थ विभाग ने हमारे लोगों ने काम किया इनके साथ। किसने काम नहीं किया? किसने अपना पैसा नहीं दिया? एक एक दिन का वेतन हम लोगों ने दिया है, क्या काम हमने किया? सारे प्राइवेट सेक्टर फेल हो गए जब हम लोगों ने काम किया है। तो हम लोग सारा काम भी करेंगे, लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह की बदतमीजी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल कमिश्नर का भी दौरा है, तो किस तरह से आप लोग देखते हैं, और ये चीजें नहीं होती आपके मतलब की, तो फिर क्या आपकी? कमिश्नर साहब बहुत अच्छे अधिकारी हैं, हमारे साथ लखनऊ में डीएम भी रहे हैं, वो हमको भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं, सबको जानते हैं। अगर हम लोग कमिश्नर साहब कल आएंगे तो उनसे बात भी की जाएगी बैठ के, और इसका समाधान वो निकालेंगे नहीं, पूरा जिला बंद कर देंगे, सारे भाग बंद कर देंगे। ये हरकिशोर तिवारी हैं, जिनका कहना है कि अगर कर्मचारियों के हित की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये धरना को जारी रखेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे। कैमरामैन सुनील।